अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फैशन कुकिंग एंड ब्यूटी। आज मैं बनाने जा रही हूँ शलवार का पोंचा डिज़ाइन। मैं बताती हूँ आपको, बहुत ही इजी मेथड है इसका, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन, आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मेरे पास है ये ट्राउज़र जिसके पैंचे पे मुझे डिज़ाइन बनाना है। ये इसका कटिंग हुआ हुआ है मेरे पास, ये मैंने इतना बुकरम लिया है, फ्यूजिंग यानी ये चिपकने वाला है, तो मैंने इसकी तकरीबन चौड़ाई ली है 4 इंचेस की। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको ले सकते हैं, 5 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बच्ची का है, तकरीबन 10 ईयर की है, तो उसके लिए मैंने ये 4 इंच का चौड़ाई ली है। इसकी लंबाई मैंने इसकी पैंचे के मुताबिक ली है। अब मुझे इसमें डिज़ाइन डालना है, तो उसके लिए मैं तकरीबन 1.5 इंच जो है, 1.25 इंच या 1.5 इंच, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस पर नीचे की तरफ एक निशान देंगे जिस पर हमें डिज़ाइन बनाना है। मैं तकरीबन 1.25 इंच ले रही हूँ, पहले मैंने 1 इंच का लिया था लेकिन वो कम रहा, तो मैंने 1.25 इंच पर निशान दे दिया। जिस तरह मैंने निशान दिए हैं, इस तरह आप इसको 1.5 इंच पर भी निशान दे सकते हैं। अभी जितने भी मैंने निशान लगाए हैं, इन तमाम निशानों को आपस में हम मिला देंगे, एक लाइन सिंपल ड्रॉ कर देंगे। या आप देख लें, मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद एक चूड़ी की मदद से मैं इसमें हाफ सर्कल बनाऊंगी, कर्व जिसे कहते हैं वो मैं बनाऊंगी। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मेरे पास चूँकि चूड़ी थी इसलिए मैंने इससे राउंड दूंगी, इसको डिज़ाइन दूंगी। बहुत ही खूबसूरत बनता है, आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ये देख लीजिए, कर्व को जो है मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे बिल्कुल साथ साथ, जो मैंने निशान लगाए थे उन निशान पर जो है हम इसको कट करेंगे। बहुत ही सफाई से आपने इसको कट करना है। आप ये देख लें, मैंने इसको कट कर लिया है पूरे को बिल्कुल, जो मैंने निशान लगाया था उसके साथ साथ मैंने इसको कट कर लिया है। देख लें, ये डिज़ाइन इस तरह से तैयार हो गया है। अब मैं इसको प्रेस से कपड़े पर चिपका लूँगी। ये मेरे पास क्योंकि चिपकने वाली फ्यूजिंग है जो हम गलों वगैरह में यूज़ करते हैं, मेरे पास वही अवेलेबल थी तो मैं उसी से बना रही हूँ। अगर आपके पास पैंचे वाली बुकरम है तो क्योंकि वो चिपकती नहीं है, तो उसको जो है आप कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से रख कर आप स्टिच कर लें पहले। ये मैं इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लूँगी, मैंने इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है, आप ये देख लें। अभी जो ऊपर वाला हिस्सा है मैं इसे स्टिच करूँगी, जो मैंने तकरीबन 1/2 इंच का छोड़ा था उसको मैं स्टिच करूँगी। अब जो ये मेरे पास कर्व है, मैं इनको जो है किनारे के ऊपर बिल्कुल सिलाई दे दूंगी, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरी बुक फ्यूजिंग जो है बिल्कुल कपड़े के ऊपर चिपकी हुई है। ये उन लोगों के लिए जिनकी बुकरम कपड़े के ऊपर चिपक नहीं सकती, यानी बगैर चिपकी हुई बुकरम उन्होंने इस्तेमाल की है। अब मैं लूँगी ट्राउज़र, ट्राउज़र का मुझे पैंचे का सीधा हिस्सा लेना है, उसके ऊपर मैं अपने फ्यूजिंग वाला कपड़ा रख कर जो मेरा डिज़ाइन है उसको मैं रख कर एक कच्ची सिलाई दे दूँगी, ताकि पैंचे के ऊपर जब ये मैं कर्व ड्रॉ करूँ यानी जब मैं इस पर स्टिच करूँ तो मेरा बिल्कुल भी ये कपड़ा हिले नहीं। बहुत ही स्लो स्लो हमें स्टिच करना है, और दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल किनारे किनारे पे हमें उसकी सिलाई देनी है, और बहुत ही सफाई से हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल फ्यूजिंग के या बुकरम के किनारे किनारे पर।
बिल्कुल सिलाई लगा दी। अब मैंने रफ़ सिलाई की थी वो मैं उसको खोल दूंगी क्योंकि वो मैंने रफ़ स्टिच किया था। ये देख ले मैंने उसको खोल दिया है। अब हम कपड़े को थोड़ा थोड़ा सा एक बूट के फासले पर रख कर जो है कटिंग करेंगे, कर्व के बिल्कुल किनारे से नहीं करेंगे बल्कि एक बूट का फासला रख के हमने इसको कट करना है बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही एहतियात से कि कपड़े पे कट ना लगे। अब ये देख लें आप मैंने इसको कट कर दिया है। अब जो कर्व शेप में है क्योंकि इसको पलटना मुश्किल हो जाता है तो इसमें हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे, लेकिन ये कट भी हमें बहुत एहतियात से लगाने हैं, कपड़े तक बिल्कुल भी कट ना लगे। थोड़ा थोड़ा फासला रख के हमने इसका कट लगाना है, हर कर्व में इसका कट लगाएंगे ताकि ये कर्व हमें पलटने में आसानी हो जाए। गोल है शेप तो पलटने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इसमें कट लगाते हैं। इस तरह से हम इसको पलटेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तमाम कर्व को पलट लिया है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है। अब जो अंदर का कपड़ा है आपकी मर्ज़ी, आप इस पर स्टिच कर दें, लेकिन क्योंकि मुझे स्टिचिंग बाहर नज़र आएगी तो वो थोड़ी अजीब लगेगी, इसलिए मैं इसमें तुरपाई कर रही हूँ। तुरपाई हमें बहुत ही सफाई से करनी है, इसलिए हम नीचे से सिर्फ 2 या 3 धागे उठाते हैं और ऊपर से हम जितना मर्ज़ी हो ले लेते हैं। आप ये देखें डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।